दोस्तों करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर ऐसे पौराणिक जीव मौजूद थे जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। बस आप सबसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5, मेडुसा। मेडुसा के सिर पर बालों की जगह सांप थे। इतना ही नहीं, मेडुसा से जो भी आंखें मिलाता था वो इंसान पत्थर का बन जाता था। बहुत से योद्धाओं ने मेडुसा का सिर काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो गए। आखिर में ज्यूस के बेटे पर्सियस ने मेडुसा का सिर धड़ से अलग किया। नंबर 4 है ग्रिम रिपर। ग्रिम रिपर सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देता था जो मर चुका है या फिर मरने वाला होता है। सबसे पहले रिपर के बारे में 15वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में जिक्र किया गया था। उनके हिसाब से रिपर लोगों को मरने के बाद दूसरी दुनिया का रास्ता बताता था। इतना ही नहीं, रिपर को छूने से ही लोग मर जाते थे। दोस्तों नंबर 3 पर है सेंटोर। प्राचीन ग्रीक सभ्यता के मुताबिक सेंटोर ऐसा दानव था जिसका शरीर आधा इंसान और आधा घोड़े का होता था। सेंटोर बेहद ही ताकतवर और लड़ाई में बहुत कुशल होते थे, इसलिए बहुत से राजा इन्हें अपनी सेनाओं में रखते थे। ये अंधेरे में भी छुपकर इंसानों का शिकार करते थे। सेंटोर का स्केलेटन आज भी म्यूजियम में मौजूद है जो साफ साफ उनके होने का सबूत देता है। दोस्तों नंबर 2 पर है हार्पी। हार्पी एक ऐसा जीव थी जो आधी औरत और आधी पक्षी थी। हार्पी किसी भी इंसान को देखते ही उस पर हमला कर देती थी, इसलिए उसे एक गुस्सेल स्वभाव का क्रिएचर माना जाता था जो यार लोगों का खाना चुराती थी। इंसान ना मिलने पर वो पालतू जानवरों को अपना भोजन बनाती थी। पौराणिक कथाओं में भी हार्पी का जिक्र किया गया है। और दोस्तों नंबर 1 पर आता है डेमन। ऐसा माना जाता है कि डेमन नरक से भागकर धरती पर आ गया था। वो पूरी तरह आग से बना हुआ था। वो लोगों को परेशान करता है। डेमन का जिक्र अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नाम से लेकर किया जाता है। जैसे कि डेमन को इंडिया में शैतान का नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक तो जरूर कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यार आपको क्या लगता है, क्या कभी आधा घोड़ा और आधा इंसान ऐसा जानवर धरती पर मौजूद था? कमेंट करके यार जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।